मेरे प्यारी साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपने परिवार की बड़ी प्यारी सी सदस्य हैं, जो कि अक्सर कमेंट करती हैं और लिखती हैं सॉरी मैडम फॉर लेट कमेंट, लेकिन इनका कमेंट आता जरूर है और ये सबका मनोबल बढ़ा देती हैं। तो सोचो बड़ा, सबका मनोबल बढ़ाने वाली, हमेशा कमेंट करने वाली ये प्यारी सी मैडम कौन हो सकती हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह है सुमन त्रिवेदी। और आज मैं आप लोग को सुमन त्रिवेदी मैडम का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये कहती हैं, मेरे घर के अनगिनत बढ़ते बक्सों के बीच बक्सा नंबर 7 मेरा अपना है, मेरा नितांत अपना निजी बक्सा, जिसे खोलकर साड़ियों को उलटना पलटना हर तीसरे चौथे महीने की घटना है। आज फिर खोला मैंने पिटारा, कहीं शिफॉन, कहीं बंदेज, कहीं चंदेरी, रंगीन झिलमिल कोमल रेशमी, मेरे कमरे में फैली ये दुनिया मेरी है। जब बक्सा खोलो श्रीमान जी जरूर कमरे में चले आते हैं। श्रीमान जी से मतलब इनका अपने हस्बैंड से, कि जब बक्सा खोलो श्रीमान जी जरूर कमरे में चले आते हैं। बाप रे, इतनी साड़ियाँ, आँखें फैलाकर बुदबुदाते हैं, क्या करोगे इनका? बस अच्छी अच्छी छांट लो, बाकी जो पहनती नहीं हो गरीबों में बांट दो। जवाब में यही कहती हूँ सुनो बाहर जाओ, जवाब में यही कहती हूँ सुनो बाहर जाओ, पहले ही कम है, तुम नज़र मत लगाओ। वे हंसकर चले आते हैं जेंटलमैन जो ठहरे, पर ये बात लग जाती है भीतर कहीं गहरे, लाओ देख ही लूँ, क्या पता कुछ निकल आए। सालों से न पहनी हुई कोई साड़ी किसी गरीब का तन ढकने काम आ जाए। देखो ये लाल सितारों जड़ी रंगीन बॉर्डर वाली साड़ी, पर ये तो माँ ने पहली तीज पर दी थी। काली सफ़ेद प्योर शिफॉन वाली अपनी पहली सहेली से ली थी। ये भारी भरकम बनारसी पहनकर मैं विदा हो ससुराल आई थी। ये भारी भरकम बनारसी साड़ी पहनकर मैं विदा हो ससुराल आई थी। और ये हल्की फुल्की लहरिया मैं जोधपुर से लाई थी। ये पीली महेश्वरी साड़ी श्रीमान जी खुद पसंद कर माहू से लाए थे। और ये नीली लीन मेरी पसंद है, ऑनलाइन हमने मंगाई थी। वेलफेयर और लेडीज मीट की साड़ियों का अलग हिसाब है, सर्दी में सिल्क और गर्मी में शिफान का फौजी रुआब है। एक दो साड़ियां हैं जिन्हें लाई थी मेरी सहेलियां और बहनें, मेरे दिल में बसी हैं चाहे मैंने पहने या ना पहने। सासू माँ की दी हुई कई एक हैं कुछ नापसंद बांटाऊंगी। सासू माँ की दी हुई कई एक हैं कुछ पसंद है कुछ नापसंद है बांटाऊंगी, पर वो सालों बाद जब पूछ बैठेंगी तो उनका दिल कैसे दिखाऊंगी। फिर है करीब आधा आधा दर्जन माँ और सास से उधार ली हुई, वापस करूँगी सोचा है, पहन कर है रखी हुई। शादी में मिली हुई साड़ियाँ जो ख़ास पसंद तो नहीं हैं, पर कैसे कह दूँ इन्हें, मेरी यादों की पहली कड़ी तो यही हैं। और कड़ी दर कड़ी ही बनती है यादों की लड़ी, इन पुरानी कड़ियों कैसे मिटाऊं, फिर आगे लड़ी कैसे बनेगी, यही सोच कर रह जाऊं। मेरी मामूली साड़ियों से किसी की गरीबी क्या ढकेगी, अलबत्ता मैं यादों से गरीब हो जाऊंगी। खुलता है बक्सा तो दिल को बेहद सुकून मिलता है। खाली बक्से में ये रेशमी छुआन कैसे पाऊंगी, कहाँ मिलेगी इतनी नाजुक यादों की डोर, जिंदगी तपन में वो सूती छाँव कहाँ से लाऊंगी। भले ही तुम्हें जगह और पैसे की बर्बादी लगे, इस बक्से को मेरे कमरे में पड़ा रहने दो।
ग्रो ग्रीन के नारे से परे मेरी साड़ियाँ और इनकी यादों को हरा रहने दो, तुम गरीबों में कुछ और बांट दो, तुम गरीबों में कुछ और बांट दो, मेरे बक्से को ऐसा ही हरा भरा रहने दो, ऐसा ही हरा भरा रहने दो। और शायद ये भावना हर नारी के मन में होती है, उसे अपनी साड़ियों से बेहद लगाव होता है, बेहद प्यार होता है, ये हमारी यादों में जुड़ी होती हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरा भी बेटा कहता है, मम्मी इतनी साड़ियाँ रखे हो, इनको बांट क्यों नहीं देती हो? मैं सोचती हूँ, हाँ ठीक कह रहा है बेटा, मैं बांट आऊँगी। फिर लगता, अरे ये तो मेरे पापा ने बड़े प्यार से ला के दी थी, ये तो मेरी सासू माँ ने दी है, ये मैं अपनी सैलरी से लाई थी, ये इनके पापा ने लेके दी थी। मतलब हर साड़ी के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है और किसी को देने की हिम्मत नहीं पड़ती। बीच में एक काली रंग की साड़ी पहननी थी जिसमें पुलवामा का जब कांड हुआ था, हमारे प्रखरा बच्चे ने कहा था, माँ ये साड़ी आप ना पहनना, मुझे अच्छी नहीं लगती, काली और सफ़ेद बिंदी की थी। वो मेरी सहेली लेकर आई थी, पूनम शुक्ला मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। तो हमेशा वो एक महंगी एक सस्ती साड़ी लेकर आती थी मेरे जन्मदिन पर। इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि मुझे उसमें अपनी सहेली का हमेशा प्यार नज़र आता था। जब मैं पहनती बड़ी खुश हो जाती कि कुसुम तूने मेरी दी हुई साड़ी पहनी ना, मतलब उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकती थी। लेकिन मैंने अपने बच्चे प्रखरराज का मन रखते हुए अपनी वो साड़ी स्कूल की आया को दे दी। इसी तरह चार छः साड़ियाँ तो मैं निकाल देती, लेकिन मन में लगता है काश ना देती तो अच्छा था, ये तो मेरी भाभी ने दी थी। मतलब हर साड़ी के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती। तो क्या आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा है? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हाँ, सुमन त्रिवेदी मैडम का ये आर्टिकल मेरी साड़ियाँ, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।